जिहड़े विद्यार्थी इंडिविजुअल एम सी क्यू क्वेश्चन का बी एड एंट्रेंस टैसट में किसी क्वेश्चन का ऑब्जैक्शन लाना चाहते हैं उसके लिए कोई फॉरमैट चाहिए है, फॉरमैट दे रहा हाँ, तुसी अपना क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन बेशक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है उन्होंने लिस्ट बनाई है, उन्होंने लॉजिक बनाए ने, एविडेंस कट्ठे किए ने, जे नहीं भी कट्ठे किए क्वेश्चन मैंने भेजो उसका की लिखना है मैं दस दंगा इस वीडियो तो बाद नीचे अगले वीडियो क्वेश्चन वाइज तुहानू वो एविडेंस नाल प्रोवाइड करांगा ते तुसी ईमेल कर सकते हो। करना की है, ईमेल एड्रैस दिता होया है pbbedadmissions2023@gndu.ac.in। सब्जेक्ट लिख देना है हम्बल रिक्वेस्ट टू रिवाइज एंड करेक्ट द आंसर की ऑफ बी एड एंट्रेंस टेस्ट। तुसी अपने क्वेश्चन का नंबर या वो भी पा सकते हो काइंडली द करेक्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर इन दिस सैट। ओके रिस्पेक्टेड सर, इन द फॉलोइंग ऑप्शन, इन द फॉलोइंग एम सी क्यू इन्हें लिखियो, इन द फॉलोइंग एम सी क्यू क्वेश्चन गिवन इन बी एड एंट्रेंस टेस्ट का ईयर पाना है पा सकते हो। द करैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डैश, क्वेश्चन नंबर जिहड़ा क्वेश्चन नंबर तुसी सिलेक्ट किया है तुहाडे सैट विच इन सैट डी, फॉर एग्जाम्पल जे तुहाडा डी है, सी है, ए है, ओ वाला क्वेश्चन नंबर, ओके इज डैश करैक्ट आंसर जो है वह इत्थे फिल करना है, करैक्ट आंसर इत्थे फिल करना है। जे तुहानू बी ऑप्शन ठीक तुहाडा लगता है बी नाल उसका आंसर पूरा लिखना है ना, बट इन आंसर की प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी द आंसर इज डैश रोंग आंसर जिहड़ा यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। द वैलिड एविडेंसिज एंड लॉजिक फॉर करैक्ट आंसर आर गिवन बिलो, वो इस एप्लीकेशन तो थले तुसी दे दोगे लास्ट ते, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज एंड रिवाइज द एंड नहीं आएगा द आंसर की इन द लाइट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्रोवाइड द करैक्ट आंसर की थैंकिंग यू नेम एंड रोल नंबर। इस तो बाद पंजाबी लिखी है, ये फॉन्ट की गड़बड़ आ गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन विच सेम मैं पेस्ट कर दाँगा, कॉपी पेस्ट करो, एडिट करो तो भेज दियो, कोई ज़्यादा इसनों एडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करैक्ट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए है तुहाडा किस क्वेश्चन ते ऑब्जैक्शन है और करैक्ट आंसर की सी, करैक्ट जिहड़ा रोंग आंसर उन्हां दा की सी, इंग्लिश विच भी करैक्ट आंसर जिहड़ा है रोंग आंसर मिलिया है आंसर की दे विच उसका ऑब्जैक्शन तो बिल्कुल छोटा होएगा कि जो वन वर्ड सी उसका दसना है ना, वो चलो मैं अगे वीडियो विच दस देना हाँ, तुसी सिंपल वो लिख सकते हो, उसकी फोटो पेस्ट कर सकते हो जो फोटो पेस्ट होंदी है, अदरवाइज उसनों एक क्वेश्चन टाइप करके नीचे लिख सकते हो करैक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इज दिस है ना। तो बाकी जिन्हां दे लंबे टीचिंग पोटेंशियल दे क्वेश्चन ने वो सबजैक्टिविटी एक्चुअली सबजैक्टिविटी नहीं है, सबजैक्टिविटी तो हो जे नैशनल कमीशनस है, इंटरनेशनल कमीशनस है टीचर्स के एजुकेशन से फंडामेंटल थ्यूरीज़ ने, इस तो इलावा फंडामेंटल थ्यूरीज़ ने, स्कूल्स ऑफ लर्निंग है जेडे तुसी बी एड एम एड विच पढ़ने ने, सो उन्हां दे मुताबक ही सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस बैटर ते बेस्ट समझी आती है, जो बेस्ट समझी आती है ऑप्शन विच नहीं सी वो मैं जस्टिफिकेशन हर क्वेश्चन दे वाइज दे देना हाँ, सो ये फॉरमैट विच तुसी दे सकते हो। नैक्सट वीडियो विच क्वेश्चन वाइज ऑप्शन जी है जस्टिफिकेशन मैं दे देना है। थैंक यू।